Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we are doing a English grammar topic, articles for class 4. An exercise we'll be doing, complete the passage by using a, an or the. अब आपको ये तो पता ही है कि a use होता है when there is something singular, an use होता है जब vowels होते हैं and the होता है जब anything is unique or one. तो देख लेते हैं. वन डे डैश मदर. अब मदर एक होती है क्या? नहीं, मदर तो बहुत सारी होती हैं. तो अ मदर क्रैब एंड हर लिटिल वन वर वॉकिंग अलोंग डैश बीच. अब पर्टिकुलरली किसी एक ही बीच पर वो लोग वॉक कर रहे होंगे. तो वॉकिंग अलोंग द बीच डैश सन. अब सन तो अर्थ पर एक ही होता है. तो द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट and सी. अब पर्टिकुलरली एक सी है या एक से ज़्यादा सी है तो एक ही सी होगी. and the sea looked like dash carpet, a carpet of diamonds. सी कैसी लग रही थी? कारपेट ऑफ डायमंड्स जैसी लग रही थी. अब देखो यहाँ पर से रूल स्टार्ट होता है. नंबर वन, मदर क्रैब के बारे में जब हमने पैराग्राफ में फर्स्ट टाइम बात करी थी तो ए यूज़ किया था. लेकिन जब उसी मदर क्रैब के बारे में हम उसी पैराग्राफ में दोबारा बात करेंगे तो ए यूज़ नहीं होता है. उस केस में यूज़ होता है द. ये एक रूल है. अगर आपने किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में एक बार बात करी फर्स्ट टाइम तो आप ए लगाएंगे, और सेकंड, थर्ड, जितनी भी बार दोबारा से उसके बारे में बात करेंगे तो आप द लगाएंगे. उसके बाद है, द मदर क्रैब सीम्ड टू बी एंग्री. She kept scolding the little one, because little one के बारे में भी हमने पहले बात कर ली है. Every creature in the world, हम लोग सभी creature के बारे में बात कर रहे हैं. World walks forward, why are you walking backwards? She said. Young crab, अब young crab के बारे में already अगर पहले बात हो रखी है तो the crab replied, what you say is true mother, but remember you yourself set an example for me. I'm just following your example. See, an example क्यों आया? Because E एक vowel है, इस वजह से यहाँ पर an लगा है. Using the given clues, write a word to follow the article. अब आपको एक word लिखना है यहाँ पे, an dash, a big animal with a trunk. Trunk तो होती है elephant की, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में एन एलिफेंट. नेक्स्ट इज द, और द के आगे लिखा हुआ है एन इंस्ट्रूमेंट विद फोर स्ट्रिंग्स, फोर वायर्स. तो फोर वायर्स एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होते हैं जिसका नाम होता है वायलिन. और डैश 12 months, 12 months से बनता है आपका ईयर, एक साल, तो अ ईयर. एन डैश अ सिट्रस फ्रूट, एक फ्रूट जो कि खट्टा होता है, तो एन ऑरेंज. ओ से मतलब वॉवल से शुरू होने वाला आपको सिट्रस फ्रूट लिखना था तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑरेंज. पर्सन हु मेंड्स योर शूज़, जो हमारे शूज़ को रिपेयर करता है उसे बोलते हैं कॉबलर, कॉबलर. होली बुक, अब होली बुक कोई सी भी हो सकती है. आप यहाँ पे द बाइबल लिख सकते हैं, आप यहाँ पे द रामायण लिख सकते हैं, द गीता लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. एंड डैश टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला. नेक्स्ट इज द डैश बिग स्टार, बड़े से स्टार को क्या बोलते हैं? तो सबसे बड़ा स्टार तो हमारा सन ही होता है, तो द सन. नेक्स्ट इज एन डैश मैन हु नेवर लाइज, एक ऐसा इंसान जो कभी झूठ नहीं बोलता है. एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन. अब आप यहाँ बोलेंगे कि मैम आपने बोला था एन तो लगता है वॉवल्स के आगे, यहाँ तो एच से शुरुआत हो रही है तो ये तो वॉवल हुआ ही नहीं. वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ,
यू। तो वोवल से तो है लेकिन वोवल साउंड भी देखते हैं। ऑनेस्ट में एच का साउंड आ ही नहीं रहा है, ऑनेस्ट में साउंड आता है ओ का, एंड ओ एक वोवल होता है, दैट इज़ वाई ये जो ऑनेस्ट वर्ड है इसके आगे मैंने एन लगाया है। नेक्स्ट इज स्विम्स इन द सी, तो सी में कौन स्विम करेगा, फिश, फिश। नेक्स्ट एंड डैश वेजिटेबल विच ब्रिंग टीयर्स, एक ऐसा वेजिटेबल जिसको कट करते टाइम पर आंसू आ जाते हैं, तो अनियन, प्याज को काटते टाइम पर आंसू आते हैं। द डैश फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री का जो फर्स्ट पर्सन होता है ना उसे बोला जाता है प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर यू प्ले, हम लोग अगर खेलना होता है तो हम जाते हैं प्ले ग्राउंड में, अ प्ले ग्राउंड, पी एल ए वाई जी आर ओ यू एन डी। नेक्स्ट इज एन बिगेस्ट बर्ड, बर्ड की कैटेगरी में सबसे बड़ी जो बर्ड है उसका नाम है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग भी काफ़ी बड़ा होता है, तो एन ऑस्ट्रिच। So yes, with this your exercise and article is complete. If you do not have any doubts, just hit the like button. And if you are having any doubt, just write me in the comment section below and I will be glad to solve the doubt. Thank you so much.